असलकम स्टूडेंट्स वेलकम टू इंग्लिश क्लास आई होप एवरी वन इज़ फाइन स्टूडेंट्स हमने अपने सेकेंड या थर्ड लेक्चर में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट किया था ठीक है जिसमें हमने नाउन और उसकी पहली दो टाइप्स पढ़ी थी जैसे कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को डिस्कस किया था आज हम अगले जो उसके पार्ट्स हैं टाइप्स हैं उसको डिस्कस करेंगे वैसे तो इसको मैंने एक पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था लेकिन आज इसको मैंने रिटर्न फॉर्म में करके इसको हम डिस्कस करेंगे ठीक है सो लेट्स स्टार्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है सॉरी थर्ड टाइप है काउंटेबल नाउन काउंटेबल नाउन् आर द नेम्स दैट कैन बी काउंटेड यानी कि ये वो नेम्स होते हैं नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं जैसे एप्पल हो गया बुक्स हो गई चेयर्स हो गई बॉटल्स ऑफ वाटर हो गई ठीक है फोर्थ टाइप है अनकाउंटेबल नाउन इसको हम मास नाउन भी कहते हैं अनकाउंटेबल नाउंस आर द नेम्स दैट कैन नाट बी काउंटेड ये जो काउंट नहीं हो सकते और अनकाउंटेबल हमारे पास हमेशा सिंगुलर होते हैं जैसे कि राइस शुगर स्नो वाटर रेन सेंड इनको हम काउंट नहीं कर सकते ठीक है हाँ इनका हम वेट कर सकते हैं इनका हम मास फाइंड कर सकते हैं लेकिन हम इनको काउंट नहीं कर सकते है. फिफ्थ हमारे पास टाइप है कॉन्क्रीट नाउन्स कॉन्क्रीट नाउन्स आर द नेम्स दैट वी कैन सी एंड टच कॉन्क्रीट नाउन ये वो नाउन्स होते हैं जिनको हम सी देख सकते हैं टच कर सकते हैं इसके अलावा इनको हम आ, टेस्ट भी कर सकते हैं इसके अलावा हम सुन भी सकते हैं ओके okay. और उन्हें हम स्मेल भी कर सकते हैं यहाँ पर, यहाँ, पर तो And, यहाँ पर आप यहाँ पर चाहे तो ऐड कर सकते हैं एंड टच यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं टच स्मेल हेयर टेस्ट यानी कि हम अपने फाइव सेंसेस को यूज़ कर सकते हैं उनको देख सकते हैं टच कर सकते हैं स्मेल कर सकते हैं सुन सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं तो ऐसे नाउन्स को हम कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं एग्जांपल्स में हमारे पास आता है पिज्ज़ा हो गया बुक कप प्राइस इनको हम टच भी कर सकते हैं देख भी सकते हैं स्मेल भी कर सकते हैं टेस्ट भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं हमारे पास नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर दैट वी कैन नॉट आर द नाउन्स दैट वी कैन नॉट सी एंड टच दे आर द थाट्स एंड फीलिंग्स यानी कि अब देखिए कॉन्क्रीट नाउन में हम अपने फाइव सेंसेस यूज़ करते हैं हमारे फाइव सेंसेस कौन से हैं देखना सी टच स्मेल हीयर एंड टेस्ट ठीक है जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम फाइव सेंसेस को यूज़ नहीं कर सकते बल्कि इनको हम ये हमारी थॉट्स होती, है, होती हैं हमारी फीलिंग्स होती हैं ठीक है अब हमारे माइंड में जो बात हो लाइक like लव हो गया जॉय हो गया देखिए लव जॉय का मतलब है हैप्पीनेस सैड फ्रीडम का मतलब है आज़ादी इंटेलिजेंस का मतलब है जहानत ऑनेस्टी का मतलब है ईमानदार ट्रूथफुलनेस का मतलब है सच्चा तो हमारे पास ये जो चीज़ें हैं ये सारे नाउन्स जो हैं इनको हम देख नहीं सकते ठीक है स्टूडेंट्स आप लव को देख सकते हैं नो वी कैन सी नीदर वी कैन टच ना ही हम इनको टेस्ट कर सकते हैं ना स्मेल कर सकते हैं येस बट वी कैन फील दैम ठीक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन्स होते हैं जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं तो ये जो हमारे पास है लव जो है सैड फ्रीडम इंटेलिजेंस ऑनेस्टी ऑफ ट्रूथफुलनेस उनको हम फील कर सकते हैं टच नहीं कर सकते ठीक है सेवेंथ हमारे पास है कंपाउंड नाउन दीज नाउन्स आर मेड अप ऑफ टू वर्ड पार्ट्स यानी कि टू वर्ड्स को हम कंबाइन करके एक वर्ड बनाते हैं उनको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं टू वर्ड्स भी वो वर्ड्स जो कि हमारे पास नाउन नाउन होते हैं इनके टू वर्ड्स यानी कि टू नाउन्स को हम कंबाइन करके यहाँ पे आप लोग ऐड भी कर लें ब्रैकेट डाल के यहाँ पे लिख लें यानी कि टू नाउन्स होते हैं उनको हम कंबाइन करके एक वर्ड बनाते हैं एक नाउन जैसे काओ अलग वर्ड है और बॉय अलग वर्ड है ठीक है काओ अलग नाउन है और बॉय इज़ अ सेपरेट नाउन तो इन दोनों को हमने कंबाइन करके काओ बॉय बना दिया फुट अलग नाउन है और बॉल हमारे पास एक सेपरेट नाउन है इन दोनों को कंबाइन किया तो हमने क्या किया फ़ुटबॉल एक एक सिंगल नाउन बना दिया और इसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं ठीक है सी शेल दो अलग अलग नाउन हैं इनको कंबाइन करके एक नाउन बना दिया और इनको हम हम क्या कहेंगे कंपाउंड नाउन कहेंगे लास्ट हमारे पास है कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव नाउन डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ नाउन ईच ग्रुप हैज़ मेंबर्स कलेक्टिव नाउन हमारे पास होता है कि हमारे पास कोई भी नाउन हो तो उसका ग्रुप हो ठीक है उसको हम को कहते हैं कलेक्टिव नाउन और हर ग्रुप में उसका मेंबर होता है जैसे आपके घर में आपके जो मदर फादर ब्रदर सिस्टर्स हो गए उन सबको हम एक नाम कहेंगे एक नाम देंगे जो है फैमिली ठीक है फैमिली फैमिली हमारे पास क्या है कलेक्टिव नाउन है फैमिली में हमारे पास हमारे घर के हमारे फैमिली के मेंबर्स भी आते हैं ठीक है नेक्स्ट हमारे पास है क्राउड क्राउड में हमारे पास आता है हजूम यानी कि पीपल ग्रुप ऑफ़ पीपल ग्रुप ऑफ़ पीपल फैमिली सेकंड है क्राउड थर्ड है स्टाफ जिस तरह हमारे जिस तरह स्कूल में आपके होते हैं टीचर्स होते हैं बहुत सारे ठीक है तो उन टीचर्स को अगर एक ग्रुप बनाया जाए तो उस ग्रुप को हम स्टाफ कहते हैं नेक्स्ट आप यहाँ पे लिख लें हर्ड हर्ड जो है उसका मतलब है कि ग्रुप ऑफ एनिमल्स ठीक है ग्रुप ऑफ़ एनिमल्स इसको हम हर्ड कहते हैं नेक्स्ट है फ्लॉक फ्लॉक का मतलब ग्रुप ऑफ बर्ड्स ठीक है ग्रुप ऑफ बर्ड्स इसको हम फ्लॉक कहते हैं तो जो हमारे पास नाउन ग्रुपिंग में होंगे उनको हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे ओके okay, स्टूडेंट्स आई एम श्योर कि आपको समझ आ गई होगी इस लेक्चर की आपने इस लेक्चर को सुनना है और अपने होमवर्क uh, को अपने नीट नोटबुक पे इसी पैटर्न के साथ उतारना है ठीक है आप चाहें तो इन एग्जांपल्स को पेंसिल कलर कलरिंग भी कर सकते हैं याद रखिए कोई मार्कर कलर यूज़ नहीं करना ना ही आपने क्रेउ यूज़ करने हैं जस्ट पेंसिल कलर जो होते हैं सिंपल पैल पेंसिल कलर ठीक है आपने सिर्फ़ वही यूज़ करना है इन एग्जांपल्स को या हेडिंग्स को फिल करने के लिए कलर करने के लिए ओके okay, स्टूडेंट्स जिसको होमवर्क चाहिए वो मुझे इनबॉक्स कर दे मैं उनको पिक्चर सेंड कर दूँगी थैंक यू टेक केयर